आया हूँ और जो जालौर जिले में पुराना नाम का गांव है वहाँ कुछ दिन पहले दलित 9 साल के स्टूडेंट पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और जो मतलब टीचर होता है ये टीचर तो भारतीय संविधान को पढ़ाने वाला होता है। टीचर जो है टीचर जाति अवस्था को खत्म करने की बात करने वाला होता है। समाज में कैसा एक रहना चाहिए ये सिखाने वाला टीचर होता है। लेकिन इस गांव का टीचर ऐसा था, उन्होंने पूरा संविधान का ध्वजा उड़ाने का काम किया और जिस मतलब क्या बोलते पानी का मटका जो पानी का जो मटका है जिस मटके का पानी वो टीचर पीता था शायद वो बच्चे को मालूम नहीं होगा और गलती से उसका हाथ उसको लगा होगा और उनके मटके को इन्होंने हाथ लगाया उसमें से पानी निकाला इसीलिए उनकी ऐसी पिटाई की उस पिटाई में वो लड़के की हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ये घटना राजस्थान की जो प्रतिमा है इस राजस्थान के प्रतिमा को मलिन करने वाली ये घटना है और मैं इस घटना का निषेध करने के लिए मैं राजस्थान की सरकार जो माननीय अशोक गहलोत की सरकार है इस सरकार के पास मांग करने के लिए आया हूँ कि दलितों को आप संरक्षण दे सकते हैं या नहीं। अगर दलितों को संरक्षण देने में माननीय अशोक गहलोत की सरकार अगर मतलब इतनी तत्पर नहीं है तो अशोक गहलोत को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। और जब ये घटना घटी तो पूरे मीडिया में आया है कि माननीय अशोक गहलोत जी ने बताया कि भाई अत्याचार क्या वो मतलब हमारे राज्य में हुआ है, हर राज्य में दलित पर अत्याचार होता ही है, क्या मतलब आपके राज्य में अत्याचार होना चाहिए ऐसा है क्या, सभी राज्यों में अत्याचार होता है। लेकिन उसके आधार पर मीडिया ने मीडिया ने जो घटना छापी वो तो पीड़ित परिवार के आरोप पे छापी है ना सर, लेकिन अभी जो जांच में पुलिस अभी तक ये नहीं कह रही कि मटकी सामने है। ठीक है, पुलिस इसकी जांच कर रहे हैं, जो भी जांच है जो सामने आया है वो सामने तो मृत्यु तो हुई है ये तो सत्य है, ये भी सत्य है, कारण क्या है वो कारण की जांच पूरी कर सकती है। सर, सर्व समाज का 2 दिन पहले सम्मेलन था या जनसभा हुई थी, उन्होंने ये कहा अगर मटकी को लेकर अगर भेदभाव होता तो शिकायत करने में 23 दिन क्यों लगाए, उन्होंने उसी दिन शिकायत करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, मटके का तो 23 दिन की जो बात है तो भी उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो कंप्लेंट जो है कंप्लेंट को मतलब दे दी गई है, जब मारपीट हुई जब लड़का सीरियस हो गया तब वो मतलब डेथ होने के बाद शिकायत डेथ होने के बाद की है, कंप्लेंट डेथ के बाद की है, 20 जुलाई को मौत के बाद की कंप्लेंट, 13 तारीख को 13 अगस्त को डेथ हुई उसके बाद कंप्लेंट। ठीक है, अभी इसके कंप्लेंट है तो सर मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्चा पहले से बीमार था, बच्चा पहले से बीमार था, कान में उसको तकलीफ है। जो भी कंप्लेंट के माध्यम से जो भी अभी केस दर्ज हुआ है और इसकी पूरी जांच हो इसमें क्या सत्य है जांच में आप दोनों एंगल देखना चाहेंगे आप एज ए मिनिस्टर यहाँ आए हैं कि एक तरफा नहीं, अगर वो जिन्होंने कंप्लेंट उनके माँ बाप ने किए उसकी भी जांच होनी चाहिए और सत्य घटना क्या है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो बिना जांच के क्या फांसी की मांग करना जायज है, बिना इन्वेस्टिगेशन के उससे पहले फांसी किसी आरोपी को फांसी की सजा की आप मांग करते क्या जायज है? तो केस तो उनके ऊपर है ही, अभी लगाई गई है, इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है वो तो देखिए, लेकिन जहाँ तक का सवाल है कि भाई अभी तो दलित बच्चे की मारपीट हुई है ये सामने आया है और इसीलिए हमने मांग रखी है, अगर उसमें क्या सकते हैं इसकी जानकारी पुलिस ने निकाली है और आगे क्या होगा वो देखिए। मीडिया में आप लोगों ने दिया है कि भाई मटके के कारण मतलब उन्होंने मटके को हाथ लगाया इसीलिए मतलब उन्होंने पिटाई की है, कारण कौन सा भी हो लेकिन टीचर को पिटाई करने का कोई अधिकार नहीं है। मटके का इन्वेस्टिगेशन में मटके का मटका था या नहीं है ये
इस चीज जान हो सकती है। दो दिन पहले मीडिया में आया है वो मटके के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन कारण तो यही है कि वो नास्टिज्म का ही कारण है। जो बच्चा था दलित है और दलित बच्चे की पिटाई मतलब वो टीचर ने की है और उसके लिए उनकी मृत्यु हो गई है, ये तो बात सही है। इसका पूरी जांच हो जाए ऐसी हमारी मांग है। दलित समाज के कम से कम 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिस स्कूल में ये घटना घटी है उस स्कूल के अंदर 100 बच्चे दलित समाज के पढ़ते हैं और उसके अंदर 5 से अधिक शिक्षक कार्यरत है। ऐसे में सर क्या आप मानते हैं कि सुबह सुबह जैसी घटना घटित हो सकती है? नहीं, 100 बच्चे और क्या 100 बच्चे स्टूडेंट है वहाँ पर, 8 में से 5 शिक्षक दलित है जी। स्कूल के अंदर जो घटना घटित हुई है वहाँ पे सर 100 बच्चे से ज्यादा SST के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे स्कूल के जो टीचर है वो SST के हैं, तो ऐसे में सर क्या ये उस बच्चे के साथ में जो सुअसू जैसी बात और उसके साथ में घटना घटित होना हत्या जैसा आप जैसे फांसी की मांग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कैसी घटना घटित हो सकती है? घटना तो जो घटी है, जो लड़का था दलित है, मारने वाला टीचर था सवर्ण है, और ये घटना जो है घटी है। दूसरे भी शेड्यूल कास्ट के टीचर हो सकते हैं और बच्चे भी शेड्यूल कास्ट के हो सकते हैं, लेकिन एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे पर अन्य हुआ है और नॉन दलित टीचर ने वो मारपीट की है। उसकी जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु का कारण तो सबके सामने आपने मीडिया ने सामने लाया है कि भाई साहब और हुआ है, इसके लिए आपको सत्ता में बिठाया है, इसीलिए आपको मतलब जनता ने चुनकर दे दिया है। और आप बोलते हैं कि भाई हमारे राज्य में अत्याचार हुआ है क्या? इसी तरह का मुख्यमंत्री जी ने प्रश्नचिन्ह खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है, और ये घटना का हम जो अधिकार करते हैं निषेध करते हैं। मेरा जो मंत्रालय है मैं सरकार को रिपोर्ट देने वाला हूँ, मैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री भी हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं अध्यक्ष भी हूँ, और आज यहाँ मैं मतलब मंत्री के नाते भी, कार्यकर्ता के नाते भी, लीडर के नाते भी आज मैं उस गांव को भेंट करने के लिए जा रहा हूँ, उस बच्चे के फैमिली को मिलने वाला मैं हूँ। और जिस तरह मेरा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के मंत्रालय के माध्यम से 8,25,000 की जो मदद होती है ये मदद वो फैमिली को मिलेगी, और मेरे पार्टी के तरफ से हम 3,00,000 की जो मदद है ये मदद हम इस फैमिली को आज नहीं लेकिन एक वीक भर में हम उस फैमिली को 3,00,000 की मदद RBI की तरफ से देने वाले हैं। और इसी तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मतलब माननीय अशोक गहलोत जी को कहना है कि भाई आपने दलितों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, दोबारा इसी तरह की घटना ना घटे उसके लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। इसीलिए मतलब आज मैं यहाँ आया हूँ। और वो जो फर्स्ट टाइम बोर्ड होता है, फर्स्ट टाइम बोर्ड में केस जारी चाहिए और 6 महीने के अंदर इसका जजमेंट आना चाहिए, ये आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर एक आप BJP के समर्थन करते हैं इस घटना में? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है और बीजेपी की बयान जारी किया है, मेरा सर निवेदन है वहाँ जाकर भेंट लेकर आए है और उन्होंने मतलब इसका निषेध किया है, तो पार्टी की भूमिका है सर बीजेपी है, बीजेपी के हमारे राधा मोहन सैनी जी मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं जो जयपुर में रहते हैं, नितिन शर्मा जी जो उदयपुर में रहते हैं जो मेरी पार्टी के प्रभारी हैं, और मेरी पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन मेरी पार्टी BJP का समर्थन करती है, मेरी पार्टी NDA का एक पार्टनर है, और मैं लगातार 6.25 साल से माननीय मोदी जी की सरकार में मैं मंत्री रहा हूँ। ये जो वर्ष है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में इसी तरह की घटना ये घटी है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा मतलब किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है। पिंटा, अरे पिंटा सर,
है।